हेलो फ्रेंड, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC नेट क्रेकर में आपका स्वागत है। NIMS यूनिवर्सिटी राजस्थान जयपुर में विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस विज्ञप्ति में विभिन्न पद हैं, जिसमें अकाडमिक ऑफिसर में डीन, प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, डीन रिसर्च, डायरेक्टर अकाडमिक्स, प्रोटेक्टर, प्रोवक्टर, डायरेक्टर इत्यादि पदों पे आवेदन आमंत्रित हैं, जो डिटेल स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में डायरेक्टर कॉर्पोरेट रिलेशंस, डायरेक्टर फॉरेन सेल, चीफ लाइब्रेरियन, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स, लीगल ऑफिसर, HR हेड मैनेजर यानी HR मैनेजर, साइट इंजीनियर, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसी तरह IT सेल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, IT मैनेजर, गूगल एडवर्ड स्पेशलिस्ट, क्रिएटिव राइटिंग एग्जीक्यूटिव, वेब सोशल मीडिया कंटेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स, वेब डिजाइनर, वेब डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर टेस्टर और सिस्टम मैनेजर के पद हैं, प्रोग्रामर, नेटवर्क सिस्टम एंड डेटा एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सपोर्ट स्पेशलिस्ट, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, UX डिजाइनर एंड UI डेवलपर, SQL डेवलपर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा सपोर्टिंग स्टाफ में प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद है, परचेस एग्जीक्यूटिव, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, अकाउंट एंड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, लाइब्रेरियन, योगा ट्रेनर्स, PR एग्जीक्यूटिव, HR एग्जीक्यूटिव, सेक्शन ऑफिसर्स, ऑफिस एग्जीक्यूटिव और कंप्यूटर ऑपरेटर्स के पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। होटल वार्डेंस, फिजिकल ट्रेनर, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनर, स्पोर्ट्स टीचर, लैब टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट फॉर ऑल कॉलेज, शॉर्ट हैंड स्टेनो टाइपिस्ट, रिकॉर्ड कीपर और सुपरवाइजर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। इन सभी पदों के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए 10 दिन है। 10 दिन के अंदर ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसमें डिटेल इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन विद इन 10 डेज ऑफ डिसएडवर्टाइजमेंट थ्रू कैरियर। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए किसी भी ब्राउजर में NIMS यूनिवर्सिटी जयपुर लिखकर आपको सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो इसमें एक कैरियर्स करके ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये कैरियर्स है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिटेल जानकारी दिया है, 500 प्लस प्रोफाइल के पदों के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में डिटेल दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहां पे आपको नेम प्रीफिक्स देना है या फुल नेम देना है, कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डिटेल आपको लिखना है। इसके बाद से हायर क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन, करेंट डेजिनेशन, करेंट अफिलेशन, ये सारे डिटेल आपको फिल करना है। करेंट CTC आपको फिल करना है, करेंट इंस्टीट्यूट फिल करना है।
इसके अलावा एक्सपीरियंस ऑन डेट, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो कब से कब तक के लिए है। और इसके अलावा आप फिल करेंगे कि इसमें बहुत सारे पदों पर आवेदन आमंत्रित है तो किस पद के लिए आप अप्लाई करना है। तो अप्लाई पोस्ट अप्लाई फॉर्म में देना है, डिपार्टमेंट आपको सेलेक्ट करना है। और इसके अलावा इसमें जो पेन देना है, इसमें स्टेट ऑफ डोमिनेशन डोमिसाइल के लिए डिटेल देना है, डिस्ट्रिक्ट आपको फिल करना है। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको रिज्यूम अपलोड करना है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक रिज्यूम अपडेट रिज्यूम बनाकर यहाँ पे आपको अपलोड करना है। और यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है, कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि यह सूचना सबके पास पहुँच जाए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो